हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तारीख आज 25 जून और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हम देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स वगैरह जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आप पेपर ज़रूर देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो आपको पेपर दे दिया जाएगा, इसका एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा। पॉइंट वाइज देखिए इम्पॉर्टेंट क्या क्या क्रक्स पूरा यहाँ पे फिल्टर करके निकाल लिया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इसमें भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होंगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इसका क्रक्स इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स भी आपके साथ रहेंगे। तो अभी हाल ही में आपने देखा है कि नो डाउट बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ये सब सारी दिक्कतों की वजह से जो आपका हिमालयन रीजन है, जहाँ पे देख रहे हैं आप ग्लेशियर्स हैं, पर्वत है, सारे सब कुछ, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे रीजन को, जिसको क्या बोला जाता है, इंडियन हिमालयन रीजन। ठीक है, तो ये जो समस्याएं हमारे सामने अब आ चुकी हैं, तो उस पर देखा जाए तो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बातें रखी हैं, सुझाव दिए हैं कि आपको एक अप्रोच अपनाना होगा, एक सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करना होगा। जैसा कि हमें पता है कि आज के समय कितने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। ठीक है, तो नेचर के साथ भी खिलवाड़ हमें नहीं करना है। करोगे खिलवाड़ तो उल्टा नेचर हमें वापस कर ही देगा। ठीक है, तो आज के समय आप देखते हो डिजास्टर देखने को मिल जाते हैं एकाएक, जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो वही है, जब आप हद अति कर दोगे, हद से ज़्यादा कोई चीज़ करोगे, बैलेंसिंग अप्रोच नहीं अपनाओगे, तो वो दिक्कत आपको देखने को मिली है। तो यही बातें यहाँ पे की गई है। IHR मतलब इंडियन हिमालयन रीजन इज वाइटल फॉर इंडियाज वाटर रिसोर्स एंड इको सिस्टम सर्विसेस। वाटर सिस्टम देखो पूरी तरीके से, जब आपका बर्फ से पानी नीचे आता है, पूरा हमारा जो नदियाँ हैं साल भर देखो पेनेरियल फॉर्म में रहती हैं, सूखती नहीं हिमालयन रीजन की नदियाँ, तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए, जल का पीने के लिए, सिंचाई के लिए, हर एक जो पानी के अलग अलग हम फॉर्म में यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ इकोसिस्टम भी हमारा उसी से पूरी तरीके से जुड़ा है। एट द ऑनगोइंग डेवलपमेंट मॉडल फॉर द थ्रेटन्स इट्स इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, काफ़ी तरीके से यहाँ पे नुकसान होते दिख रहा है अगर हम इस तरीके से सुधार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट वगैरह भी है, वो भी पूरी तरीके से एडवोकेट क्या करता है, ए राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट emphasizing sustainable practices and balancing the rights of people and nature. दोनों चीजों को ध्यान में रखिए, लोगों के जो अधिकार हैं, लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आप कहते हो ठीक हमें विकास करना है, right to development, विकास का भी अधिकार है आपके लिए, ठीक है, लेकिन नेचर को भी आपको संभाल के रखना होगा, एक ऐसा अप्रोच अपनाना होगा जहाँ पे पूरी तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, ऐसा ना हो कि आगे हमें कुछ देखने को ही ना मिले, ऐसा ना हो कि हम पूरी तरीके से रिसोर्सेज का मिसयूज कर लें और उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी इस बात को रखा है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अब हवाला भी दिया गया है, देखिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद अब्दुल कासिम हाईलाइट्स एंड इको सेंट्रिक व्यू होना चाहिए ऑफ द एनवायरमेंट, अर्जिंग ह्यूमंस टू एक्ट एज ट्रस्टीशिप ऑफ द अर्थ। ठीक है, आप अर्थ के एक ट्रस्टीशिप एक तरीके से आप देखा जाए तो आपको एक उसका संरक्षक के फॉर्म में भी रहना होगा, देखरेख आपको करनी होगी। ठीक है, आपसे ये उम्मीद भी की जाती है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर नेचर उसका जवाब देगा तो चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। ठीक है, आज के समय देख ही रहे, तबाही होना शुरू ही हो गया, एक तरीके संकेत दे दिया गया है। 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द इंडियन प्लेसेस पे देखे गए, स्टेट्स में देखे गए, नॉर्दर्न इंडिया के आप देखो यूपी बिहार वाला रीजन पूरा, राजस्थान, ये सब पूरा 47, 48, 50 नॉर्मल बात हो गई, जो रिकॉर्ड में रखा जाता था कभी ऐसा एक दिन देखने को मिलता था, तो क्या है, अलार्म ही है हमारे लिए। तो हमें एक राइट अप्रोच अपनाना होगा, बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना होगा, जिससे कि सब कुछ बेहतर रहे। अब कारण क्या देखने को मिल रहा है, जो स्थिति गड़बड़ नजर आ रही है, मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो आप जाके अब देखोगे लोगों का भी बसेरा बढ़ता चला जा रहा, एक तरफ एक समय था शांति ही शांति, हरिद्वार ऋषिकेश में आप पैर नहीं रख सकते, जितना और नॉर्थ होती चले जाओगे हिमालय रीजन पे पहुंचोगे, तीन भाग में आपका है ना हिमालय रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ही आप नॉर्थ होते चले जाओगे अब वहाँ पर भी मैसिव कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेंगे, रोड्स जो पहले देखा जाए तो पहाड़ों को काट बनती थी और उनका चौड़ीकरण हो रहा है, और उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, रोड वाइडनिंग हो रही है, तो ये सब काफ़ी दिक्कत आपके नेचर के साथ करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे तो सरकार ही सोचती है जितना हम ज़्यादा करेंगे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, नो डाउट वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, जो नॉर्म्स हैं, जो IHR के नॉर्म्स हैं, नेचुरल रिसोर्स को पूरी तरीके से हमें संभालना होगा, वायलेट्स करने से भी रोकना होगा। इन्वायरमेंटल जो नॉर्म्स हैं, नियम है, कानून है, उनका उल्लंघन करोगे तो नेचर आपके साथ अपनी तरीके से बर्ताव करेगा। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के असेसमेंट वगैरह जो आए वो भी अपना देखती है नेचुरल डिजास्टर NDM वगैरह कि क्या स्थितियां पैदा की गई जिसकी वजह से ये हालात देखे गए, तो वहाँ पे देखा जाए हिमाचल प्रदेश में फ्लड वगैरह आया था तो आपका यही था अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शंस, मतलब जो नियम है कानून है एक दायरा होगा भैया ऐसा आप बनाना, ज़्यादा ऊँचा ना बनाना, एक तरीके से बनाना, तो उसको लोगों ने फॉलो नहीं किया, ठीक है, पेड़ काटे गए, तो ये सब सारी स्थितियां देखने को मिली जो इसका रिजल्ट सामने आया, ठीक है। तो अब अक्सर आप देखते होंगे यहाँ पे जमीन धस गई, यहाँ पे पहाड़ धस गया, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ केदारनाथ में हो गया, उत्तरकाशी में हो गया, अक्सर आप देखते होंगे ना आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये सब जो आपके हिमालयन रीजन के स्टेट्स वगैरह हैं या रीजन्स हैं, तो उसका रीजन क्या है, यही सब उल्टा काम करो तो फिर आप जाओ। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रिकोगनाइज द राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी नई चीज़ देखो जुड़ गई, आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको अच्छी हवा मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ये नहीं कि सांस लिए जा रहे हो, खांसे जा रहे हो, आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू फंडामेंटल राइट आपका क्या है, ये सब राइट टू फ्री फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे अंडर आर्टिकल 49-21, तो इसको भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है कि ये हमें सही करना होगा, हमारा अधिकार है, ठीक है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ क्रूशियल फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग रिजिलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर। हमें एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होगी, ठीक है, एकदम रिजिड नहीं होना कि हम डेवलपमेंट ही कर जा लेंगे उसके बदले सब कुछ काटना पड़ जाए। देखो आप, आपका क्या है, अंडमान प्रोजेक्ट आ रहा है, 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके साथ साथ 9 लाख 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जनजातियों को इधर से उधर किया जाएगा, वही कहला आपसे कह ही रहा था, कहने के लिए है एक तरीके से कि हाँ हम सब कुछ ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करेंगे, कौन किसका ध्यान रख रहा है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कॉल फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना है टू डेवलपमेंट प्लानिंग एंड दैट इंक्लूड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर कोई दिक्कत परेशानी ना हो और हमें आगे बढ़ना होगा, पूरी तरीके से हमें बैठना भी नहीं भाई, डेवलपमेंट करना होगा हर एक चीज़ को, लेकिन हर चीज़ का दायरा है, उस दायरे में देयर इज अ प्रेसिंग नीड अलाइन डेवलपमेंट एस्पिरेशंस इन द IHR विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड द राइट ऑफ बोथ द पीपल एंड नेचर, ठीक है, दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। तो द कोर्ट्स रूलिंग अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉल फॉर द लीगल फ्रेमवर्क टू गाइड डेवलपमेंट इन द IHR, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए जो हिमालयन रीजन के आपके क्या हैं गाइडलाइंस हैं, उनको नेचर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इन्हीं सब चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने बात किया है, कोर्ट ने भी पहल की है, ठीक है, कि उसके बाद कम से कम आँखें खुले, मान लीजिए आप बड़े बड़े जो क्रिटिक्स एवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ना मानिए, कम से कम कोर्ट की बात मानिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है फ्रॉम चाइना टिल टू आ बैलेंसिंग विद बीजिंग एंड दिल्ली, क्या बात हो रही है किसके बारे में, मालदीव के बारे में मेनली इसमें बात की गई है। जैसा कि हमने लास्ट 6 महीना 8 महीना या साल भर के भीतर हमने जो मालदीव का प्रेम देखा है अपने प्रति, वो कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी बयानबाजी कर देना, मोदी जी देखो लक्षद्वीप चले गए तो उनसे देखा नहीं गया, उसमें बयानबाजी हो गई, दोनों के बीच देखो आपका कोल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कारण भी चाइना उधर से ज़्यादा इनको फेवर कर रहा है, नया नया प्रेम इनको ज़्यादा देखने लग रहा है ना, नया नया प्यार भी तो इंसान को ज़्यादा आकर्षित करता है, तो चाइना ने बड़े बड़े वादे दिखाए होंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये एक तरीके से इनका झुकाव चाइना के प्रति होने लगा, ज़्यादा देखने को मिलने लगा। लेकिन अब यहाँ पे इसमें पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बैलेंसिंग अप्रोच भी अपना रहे हैं मालदीव वाले, यानी इंडिया के साथ भी हमारा पड़ोसी संबंध अच्छा बना रहे और चाइना के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन बना रहे। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो मोदी जी का शपथ समारोह था 9 तारीख को, तो उसमें भी आए थे राष्ट्रपति महोदय मोदी जी,
इनको तो पता नहीं क्या हो गया है, कितना प्रेम हो गया है कि उधर ही ज्यादा झुकाव रहता है इनका। तो मोहम्मद मुर्सी द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैज इंप्लीमेंटेड अ प्रो मालदीव फॉरेन पॉलिसी। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी है ना, अभी देखने को मिली है कि प्रो मालदीव, ठीक है, अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंडिया एंड स्ट्रेंथनिंग टाइज विद चाइना, ठीक है, मजबूती अपना रहे हैं चाइना के साथ, ठीक है, और जो अपना डिपेंडेंसी है इंडिया के साथ उसको कम करके देखा जा रहा है। तो इन्होंने एक तरीके से अपना झुकाव उधर रखा है, लेकिन कुछ कुछ इंडिया की तरफ भी पूरी तरीके से भूल नहीं रहे हैं कि हमें अंत में हमारा बगल का पड़ोसी ही काम आने वाला है। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड अनमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आएगी ही, मेन उनका टूरिज्म का देखा जाए तो हम ही लोग संभालते थे, ठीक है, बगल में पड़ोसी थे, घूम के आते थे, पैसा कमाते थे हम लोग से, वो अब कम हो गया है। तो टूरिज्म ही इनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम था, वो कम हो गया, ठीक है, और जो सोचे थे वो एकदम एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, ठीक है। एक्सटर्नल पावर आर फोर्सिंग मुर्सी टू रिकंसीडर हिज स्ट्रेटजी एंड रिपेयर रिलेशंस विद इंडिया। अब एहसास भी हो रहा है कि चाइना थोड़ी ना, चाइना वाले यहाँ पे आएंगे घूमने आएंगे, हमारे पड़ोसी भारत वाले ही, तो अब धीरे धीरे एहसास होगा। तो धीरे धीरे गलती का भी एहसास जब होता है इंसान को, तो फिर सॉरी, फिर भारत भी कहेगा अच्छा हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखिए भारत तब भी सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट किया है इनके प्रति, चाहता तो ना बुलाता, एक बार होता नहीं मसल दो खत्म, तब भी देखिए मोदी जी के शपथ समारोह में आए कि ठीक है पड़ोसी है बच्चा है ध्यान में रखना होगा, ठीक है। मालदीव्स इकोनॉमी यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी स्थिति डेटा भी दिख रहा है, सीवियर चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, अभी इनका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 110 हो चुका है, ठीक है, लो रेवेन्यू है और उसके साथ साथ डिक्लाइनिंग फॉरन रिजर्व है, फॉरन रिजर्व भी नहीं रहेगा तो कुछ इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, एक्सपोर्ट्स के लिए तुम्हारे पास इतना कुछ है नहीं कि तुम अपना फॉरन एक्सचेंज रिजर्व भर लोगे। तो अच्छे रिलेशन हमें बना के रखने होंगे, ठीक है, कोई आपातकाल आ जाए, देखिए पैंडेमिक में पूरी तरीके से हमने मदद किया था, पूरा भर भर के हमने पूरा कोरोना की किट भेजी थी, चाहे वो मास्क हो जाए, चाहे आपका पूरा किट आइसोलेशन, पूरा मतलब दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह हमने बहुत भेजे इनको, तो आज एकदम जिंदा हैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चाइनाज रिस्पॉन्स टू मालदीव नीड्स हैज बीन लिमिटेड, वो ज़्यादा नहीं करेगा, वो फोकस करेगा, उसको जहाँ लाभ होगा वहीं उसी चीज़ पे वो फोकस करेगा, उसको लेना देना नहीं है, आप अच्छे से रहिए ना रहिए। किस पे फोकस कर रहा है? मोर ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट रेदर देन मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेनली झुकाव है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट पर। इंडिया हैज मेंटेन्ड हाई लेवल एंगेजमेंट एंड इंक्रीज डेवलपमेंट असिस्टेंस डिस्पाइट मालेज एंटी इंडियन रेटोरिक, यानी यहां पे देखा जाए तो हमें पता है कि हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, दोस्ती ज्यादा चाइना के साथ बढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे जो हमारा इनके साथ मिलना जुलना है, इंगेजमेंट है, वो हमने यहाँ पे पॉजिटिव में ही देखा है, चाहे तो एक बार मोदी जी आंख दिखा दें तो खत्म, लेकिन नहीं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी हमने देखा, इंडिया ने इन्वाइट किया आपके प्रेसिडेंट साहब को मोदी के स्वेयरिंग में, ठीक है, तो ये सिग्नल देता है ऑनगोइंग एंगेजमेंट विद मालदीव रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, ठीक है। कई सारी चीज़ों पे देखिए आपके जयशंकर जी ने भी बात किया, मोदी जी सब मिले जुले, तो यहाँ पे दिखाया गया कि हाँ हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुर्सी इज नाउ बैलेंसिंग रिलेशन, अब मुर्सी क्या कर रहे हैं, रिलेशन को बैलेंस बना रहे हैं फॉर द मालदीव्स इंटरेस्ट, ठीक है, और ये सोचना भी आपका सही है यहाँ मुर्सी का, कि दोनों के साथ अगर आपको ठीक है रिलेशन, बायलेटरल रिलेशन रखिए, हर देश के साथ सबका अपना रहता है, दुनिया भर के देशों के साथ देखो हम लोग जुड़े हैं, तो वो आपके देश के लिए ही भला होगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी इसमें। अभी देखिए बात कर रहा था ना, निकोबार आइलैंड को बेहतर बनाने के लिए 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट, गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट, तो ये सब यहाँ पे विकास के लिए आपके बनाए जाएंगे, जिसमें 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल होगा वो एक तरीके से समझो उसी को यूटिलाइज किया जाएगा, तो जंगल खत्म होने के कगार पे होगा। वादे बड़े बड़े किए गए हैं कि पेड़ काटे जाएंगे, लगाए जाएंगे, सारी चीजें हैं, पूरा यहाँ पे देखोगे क्लियरेंस भी मिल चुका है, यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो रिव्यू कर रही है जो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि कितनी ट्राइब्स वगैरह वहाँ पे हैं, कितने लोग हैं, उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स का कितना डिग्रेड होगा, ये सब चीज़ें होंगी, उसमें आप कितना भी इस चीज़ से पल्ला झाड़ो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
तो ये देखा जाए तो स्टेज वन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल गया है आपको, ठीक है। आगे कमेटी के द्वारा हरियाणा में भी देखा जाए तो शुरू हो रहा है। अब प्रोजेक्ट थ्रेटन्स रेयर स्पीसीज, अब क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, एक लेदर बैक टर्टल है, कहाँ पे, गैलेथिया वे में, तो वो रेयर स्पीसीज है तो उसकी भी जाने की संभावना है, ठीक है। कितनी स्पीसीज, कितने वाइल्ड, आपके देखोगे वाइल्ड स्पीसीज हैं या उसके साथ साथ आपके वनरेबल स्पीसीजेस हैं, फ्लोरा एंड फौना है, तो एक वहां से देखा जाए तो खत्म होने की संभावना हो जाएगी ना। कुछ स्पेसिफिक प्लेस क्या बताइए, 130 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल है इसी एरिया में ही वो रहते हो तो वक्त के साथ खत्म, ठीक है। मान लो उनकी ब्रीड्स, उनकी प्रजातियां ना पाई जाती हूं तो क्या कर लोगे, तो ये कई ये सब चीजें होने का भी पूरी तरीके से डर है। और जो क्रिटिक्स हैं वो पूरी तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का रियल मोटिव क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना। अगर हम सारी चीजें अच्छे से बना देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, कितने लोग तो जाते नहीं, कितने लोग तो यहां से जाएंगे ही नहीं कि भैया कौन पानी के जहाज से जाएगा, कहीं डूब गए तो एयरपोर्ट्स आपके मल्टी एयरपोर्ट्स बन जाएंगे, उसके साथ साथ आपका देखा जाए तो अलग अलग आपके टूरिज्म हब बन जाएंगे तो वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे। तो इनका मेन मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है क्रिटिक्स अपोजिशन के द्वारा कि टूरिज्म को ये प्रमोट कर रहे हैं, नॉट जस्ट लिवरेज द आइलैंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर द मलक्का स्टेट। कहा जा रहा था मलक्का स्टेट से हमें काफी रणनीति जानने को मिलेगी इधर उधर की चीजों से, तो वो काफी हेल्पफुल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली प्रमोट टूरिज्म ही यहाँ पे पर्पज दिखाया जा रहा है। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज केप्ट द एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड अप्रेजल प्रोसेस डिटेल सीक्रेट, ठीक है। सारी चीजों को गुप्त भी रखा गया है, बताया भी नहीं जा रहा है कि भैया क्लियरेंस में उसको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो पब्लिक के सामने भी नहीं लाया जा रहा है, मतलब एक तरीके से सार्वजनिक करना, ठीक है, कि हम जाने क्या है, कैसे है, क्या क्लियरेंस दिया गया है, ठीक है, जनता को भी जानने का हक है। तो यहाँ पे मेनली जो दिक्कत देखने को मिल रही है, जो लोकल ट्राइब है, द नेम इज स्वम्पेन ट्राइब, ध्यान में रखिएगा सब करंट में आपके आएंगे, ठीक है। स्वम्पेन ट्राइब के साथ दिक्कतें आ सकती हैं, एक्सक्लूसिवली यहीं पे हैं और उनको पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा, कहा जा रहा है कि इनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा, सब कुछ ठीक रहेंगे, आराम से रहें जहां हैं, बसे हैं, लेकिन वही है कि काफ़ी इनकी स्थिति भी नाजुक हो सकती है। बाहर के आउटसाइडर्स आएंगे, इन्फेक्शन वगैरह फैल सकता है, मतलब होता नहीं, तो भाई इनका एक अलग जीवन है, अलग एक इनका अपना संसार है, उस संसार में बाहरी लोग आएंगे तो इनको ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, उनके लिए भी एक कमीशन बना है, तो हैज सॉट एन एक्सप्लेनेशन एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट बट डिटेल्स आर नॉट पब्लिकली नहीं किया गया है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मांगा गया है इनके द्वारा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द ट्यूटोरियल इसी चीज में सजेस्ट करता है, तो गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन ऑन दिस मैसिव प्रोजेक्ट, इस पर बातचीत करे और फिर फाइनली जाके इस पर अपना राय दे, ठीक है। ये किसके बारे में है, अल्टर द स्टेटस क्यू, मणिपुर जो आप देख रहे हैं काफी समय से मणिपुर का इशू चल रहा है, तो उसको भी अब एक तरीके से सुलह करके या देखा जाए जिसके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। 200-250 लोगों से ज्यादा मृत्यु हो गई, 50,000 को घर परिवार देखिए छोड़ के जाना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट का शिकार होना पड़ा, ये लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पे लोगों का स्थिति आप देख रहे हैं, एक्सटॉर्शन एंड अबडक्शन बड़े लेवल पे हुआ है, तो जो वहाँ के लोग हैं, सिविलियंस हैं, जो एक आर्म्ड सिविलियन के रूप में हो गए हैं, वो लोग वेपन्स वगैरह लूट के आप देखोगे वायलेंस की गतिविधियों को पूरी तरीके से प्रभावित किया है और उन्होंने माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रखा। तो ये सब बारे में बातें हैं कि गवर्नमेंट को भी इसमें एक तरीके से मेंटेन करना होगा, ऑफ आप स्टेट में इंटरफेयर करना होगा उसका, देखिए एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट उस बड़े लेवल पे यहाँ इंटरफेरेंस नहीं किया गया। आज भी लोग कहते हैं मोदी जी दुनिया भर में टहल रहे हैं, देश के कोने कोने में जा रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए कभी, कम से कम एक बार जाते, समझाते और शांति रहने की अपील करते, लेकिन वो सब नहीं हुआ। उसका रिजल्ट भी यहाँ पे देखा गया, जनता ने जवाब भी दिया वोट में, ठीक है, कि हम आपके साथ आपके विचारों से सहमत नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिलिशियाज हैं, मिलिशियाज मतलब जो आर्म्ड ग्रुप हैं, उनको एक तरीके से डिसआर्म करना होगा, अस्त्र शस्त्र से निशस्त्र करना होगा, जिससे कि स्थिति को सुधारा जा सके, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने एक और आर्टिकल पढ़ा ही था, आपके निकोबार आइलैंड
को जो डेवलप करने के लिए इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो ही ये नीति आयोग का पूरा यहाँ पे थिंक टैंक है प्रोजेक्ट का निकोबार को बढ़ाने के लिए, तो उसी पे पूरी तरीके से बात की गई है। जो डेटा हमने बताया है, जो सरकार का प्लान बताया है, तो जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह मिला है, तो उस पर एक तरीके से रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या नहीं, व्हाई इज़ देयर अपोजिशन, व्हाई व्हाट इज़ द नीति आयोग प्रोजेक्ट, तो वही सारी बातें हैं घुमा फिरा के इसमें। तो इसको भी आप पढ़िए, काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पे फैक्ट भी जानने को मिलेगा, कहाँ पे कितने दूर फैला है, कितने हैबिटेट हैं, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे दी गई, वही देखिए जिस्ट में भी वही सारी बातें लिखी हैं। तो इसका एक अलग से आया कि नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार का, वो क्या है कैसे है, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, किससे रिलेटेड है, पेसा एक्ट से रिलेटेड है, पंचायत एक्ट मतलब एक्सटेंशन है शेड्यूल एरिया, इसमें पार्टिसिपेशन जो शेड्यूल ट्राइब का हुआ है, तो उससे काफ़ी हमें देखा जाए तो फ़ायदा मिला है, ठीक है। जो आपका पेड़ हैं 3% बढ़े हैं, छत्र छाया वाले पेड़, मतलब छांव वाले पेड़, ठीक है। उसके साथ साथ कॉमर्शियल टिम्बर एंड माइनिंग का जो इनको एक तरीके से अधिकार वगैरह दिया गया, पार्टिसिपेशन किया गया, तो उससे काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आपका एक माइंडसेट बनाएगा इनके प्रति, और जानने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो एडिटोरियल रहे, एक आर्टिकल्स रहे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बाकी की खबरें वगैरह ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए बेहतर हो, पढ़ना हमें वही है जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, कोर्सेस आपके लॉन्च हो चुके हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, इनरोल कीजिए, और अपनी परीक्षा को, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ताकि आपका जो सपना है वो पूरा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून।